हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिमोट कंट्रोल के फंक्शन के बारे में, जो कि है एमआई के स्मार्ट टीवी का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये ऑपरेट होता है दो पेंसिल सेल से, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। तो इस तरीके का रिमोट कंट्रोल है एमआई टीवी का। तो इसके बटन्स के बारे में अब हम देख लेते हैं। तो पहला बटन है पावर ऑन ऑफ का, इसे प्रेस करते ही पावर ऑन हो जाएगा स्मार्ट टीवी का, जैसा कि अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। तो स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और ये स्टार्ट हो चुका है अब। तो अब इसके नेक्स्ट बटन को देख लेते हैं। ये बटन है गूगल असिस्टेंट के लिए, इसे प्रेस करके आप कुछ भी बोलेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक सर्च हो जाएगा, टाइप हो जाएगा। तो ये होता है गूगल वॉइस असिस्टेंट के लिए, जैसा कि अपने फ़ोन में होता है। तो इसको प्रेस करके आप कुछ भी बोलेंगे तो वहाँ पे सर्च हो जाएगा, या कोई भी आप ऐप ओपन करना चाहेंगे लाइक नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, कोई भी, तो वहाँ पे अपने आप आ जाएगा। तो जैसे मैंने अभी बोला ओपन यूट्यूब, तो यूट्यूब ओपन हो गया है। और बाकी दूसरे बटन्स हैं यहाँ पर जो सर्कल्स आपको दिख रहा है, ये है लेफ़्ट राइट अप डाउन करने के लिए। कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना है मेन्यू में, तो आप इस सर्कल वाले बटन से अप डाउन लेफ़्ट राइट करके कर सकते हैं आप सेलेक्ट। किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप इस सर्कल के बीच में जो सेंटर में बटन देख रहा है आपको, इसे प्रेस कर देंगे, ये ओके का बटन होता है, और वो सेलेक्ट होने के बाद प्रोसेस हो जाएगा आगे ओके करने के बाद। और यहाँ पे तीन बटन आपको दिख रहे होंगे, ये एरो वाला बटन थोड़ा सा मिस प्रिंट है, तो ये होता है बैक करने का बटन। इसको आप प्रेस करें किसी भी, जैसे आपने YouTube ओपन कर लिया, Netflix ओपन कर लिया, Amazon Prime ओपन कर लिया, तो आपको बैक जाना है, तो इसको प्रेस करके आप बैक कर सकते हैं, तो होम पेज पे पहुंच जाएगा ये। और ये बटन है वॉल्यूम अप और डाउन करने का, जिसे माइनस से आप वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं और प्लस को प्रेस करके आप वॉल्यूम अप कर सकते हैं यहीं से। और ये बटन होता है होम का, अगर आपने कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है, आपको वापस होम पे आना है, तो ये जो सर्कल बटन दिख रहा है आपको, इसको प्रेस करते ही आप सीधा होम पे आ जाएंगे। चाहे आप किसी भी ऑप्शन में हो या किसी भी मेन्यू में हो, आप सीधा होम पे आ जाएंगे, होम पेज पे आ जाएंगे आप। और ये बटन है, इसमें जैसे कि लिखा हुआ है MI, तो MI को प्रेस करते ही MI का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। जो भी यूज़र इंटरफेस होता है, तो MI के सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, आपके सामने आ जाएंगे। तो ये सारे इनके फंक्शंस हैं। पहला बटन पावर ऑन ऑफ, दूसरा बटन गूगल वॉइस असिस्टेंट, और इसके नीचे जो सर्कल बना हुआ है, ये लेफ्ट राइट अप डाउन मेन्यू सेलेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए, और सेंटर बटन इसको जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसको ओके करने के लिए, और ये बैक करने के लिए है बटन, इसे आप बैक कर सकते हैं। और इसके साथ में होम बटन है, ये वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का बटन है, और MI है ये, इससे आप MI के यूज़र इंटरफेस पे आप सीधा जा सकते हैं, जो भी MI का यूज़र इंटरफेस होगा आपके सामने आ जाएगा वो टीवी पे। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारे मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।